गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग एक्सरसाइज वन के बाकी क्वेश्चंस पर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। एन ऑयल टैंकर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर्स इफ इट कंटेन्स 76 लीटर 275 मिलीलीटर ऑफ ऑयल, हाउ मच मोर ऑयल इट कैन हैव। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को पार्टिकुलर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में और हमको निकालना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक ऑयल टैंकर की कैपेसिटी के लिए बताया गया है। कैपेसिटी मतलब उस ऑयल टैंक में कितना ऑयल आ सकता है। तो इसमें क्या दिया गया है, 100 लीटर्स। और उसमें है कितना ऑयल टैंकर में, ऑयल है 76 लीटर 275 मिली लीटर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे आंसर। पहले पार्टिकुलर्स लिख लेंगे। टोटल कैपेसिटी कितना है, 100 लीटर, और टैंकर कंटेंस ये है आपका 76 लीटर 275 मिलीलीटर। तो हमको निकालना है हाउ मच मोर ऑयल इट कैन हैव। इसको इस तरह लिख सकते हैं, रेस्ट कैपेसिटी निकालने के लिए लीटर मिलीलीटर, टोटल कैपेसिटी है 100, यहाँ हो गया 0 0 माइनस, इसमें कितना ऑयल है 76 लीटर 275 मिलीलीटर। इसको घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 23 लीटर 725 मिलीलीटर। तो इसका आंसर हम जिस टोन में क्वेश्चन दिया गया है उसी टोन में लिखेंगे, हाउ मच मोर ऑयल। तो आंसर को हम लिखेंगे कि 23 लीटर 725 मिलीलीटर मोर ऑयल, और जैसा कि आपके यहाँ दिया गया है मोर ऑयल इट कैन है। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीच से चालू है थे तो क्वेश्चन नंबर काटो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगॉन्स। इस क्वेश्चन में फिगर्स दिए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं ये फिगर दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों को ये चूज़ करना है और ये निकालना है कि कौन सा फिगर पॉलीगॉन्स है। देख लीजिए ए फिगर कैसा बना हुआ है, बी फिगर, सी फिगर, डी फिगर, ई फिगर एंड एफ फिगर। तो आंसर देख रहे थे हम लोग, तो ए नंबर फिगर देखिए, ए फिगर जो है इसमें ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी और ये भी, ये भी इस तरह, ये जो फिगर है इसमें स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है, और 1 2 3 4 5 फाइव स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये फिगर बनी हुई है। तो इस तरह हमारे पॉलीगॉन्स के डेफिनेशन के हिसाब से कम 3 या उससे ज़्यादा, 5 या उससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को मिला करके जो फिगर बनती है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ 5 स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये फिगर बनी है, इसलिए ये फिगर पॉलीगॉन्स होगी। आंसर यस। बी नंबर फिगर देखिए, इसमें एक तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो कर्व्ड लाइन है,
तो इट इज ऑब्वियस दैट दिस फिगर कैन नॉट बी ए पॉलीगॉन। तो यहाँ हम लिखेंगे ए पॉलीगॉन नहीं है, यानी सी नंबर फिगर देखिए एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में फोर साइड हैं, देखिए वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड एंड ऑल दीज फोर लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस। और ये चार लाइनों से, स्ट्रेट लाइनों से मिलकर बनी हुई फिगर जो है डेफिनेटली पॉलीगॉन है। तो इसका आंसर होगा यस। डी नंबर देखिए, डी नंबर फिगर में देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फिगर जो है 8 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई है और इसलिए ये फिगर पॉलीगॉन है। यस। ई नंबर फिगर देखिए, ई नंबर फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है, लेकिन इनफैक्ट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कर्व लाइन मर्ज है। यहाँ पर ये कर्व लाइन है, यहाँ ये कर्व लाइन है, तो ये फिगर जो है स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई नहीं मानी जाएगी, इसलिए ये पॉलीगॉन, ये फिगर पॉलीगॉन नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो। एंड एफ नंबर फिगर देखिए, ये एक ट्राइंगल है, तीन स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ ट्राइंगल, और पॉलीगॉन के डेफिनेशन के अनुसार स्ट्रेट लाइन से मिलकर जो कि कम से कम तीन लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और तो ये फुलफिल करती है कंडीशन को एक पॉलीगॉन के, इसलिए ये फिगर एक ट्राइंगल जो है ये एक पॉलीगॉन होगी, इसलिए इसको हम यस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के नाम, तो साइड्स देखिए इसके क्या क्या हो जाएंगे। ई एफ यानी ये वाला साइड, एफ एच यानी ये वाला साइड, जी एच ये वाला साइड एंड ई जी, ये चार साइड हो गए। जैसे यहाँ ई एफ हमने दिया है, एफ ई भी लिख सकते हैं, एफ ई भी लिख सकते हैं, इस तरह दूसरे क्रम में भी लिख सकते हैं। यही इसके चार कोर साइड्स हो गए। और डायगोनल्स, डायगोनल्स के जो नाम नेम होंगे ये होंगे जी एफ या एफ जी और ई एच या ई एच, दोनों तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके डायगोनल्स हो गए जी एफ एंड ई एच। इस तरह ये क्वेश्चन हमने देखा, क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसका नाम दिया। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बना करके, फिगर बना करके और इस तरह उसका नाम करेंगे। साइड्स का नाम नेम ये होगा फोर साइड्स एंड टू डायगोनल्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देख रहे हैं हम लोग। ए सर्किल हैज ए डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। यहाँ सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर डायमीटर है। हाउ लॉन्ग इज इट्स रेडियस, तो रेडियस कितना होगा, अगर आपको डायमीटर दिया हुआ हो तो रेडियस कितना होगा। देखिए आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि डायमीटर, रेडियस दिया गया था, डायमीटर निकालना था, तो हमने किया था डायमीटर बराबर 2 × r। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फार्मूला होगा रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2। आप लोगों को यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो फार्मूला में फिट करने पर रेडियस बराबर होगा 16 / 2। इसको डिवाइड कीजिए तो रेडियस आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। इस प्रकार से किसी ऐसे सर्किल जिसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर है,
उसका रेडियस उसका हाफ होगा, मींस 8 सेंटीमीटर होगा। आज की क्लास में इतना ही है, कल नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू। डबल व्हाट 2 × 12 सेंटीमीटर मींस 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।